सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम व्याकरण मंथन का पाठ एक भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हम सब जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे मन में भाव आते हैं, हम दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर या लिखकर। तो दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रकट करना और दूसरों के विचारों को जानना ही भाषा है। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, यहाँ आपको मेरी आवाज आ रही है, ये क्या है? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। जब हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने बोल कर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा है, और यदि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा है। व्याकरण, व्याकरण और भाषा का गहरा संबंध है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। तो आइए आज हम भाषा और व्याकरण का अध्ययन विस्तार पूर्वक करें। सर्वप्रथम हम भाषा की परिभाषा को जानते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर जान लेते हैं तो यह मौखिक भाषा होती है। जैसे टेलीफोन पर बातें करना, भाषण देना, गाना गाना, यह सब मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं या उनके विचारों को पढ़कर जान लेते हैं तो यह लिखित भाषा का रूप है। लिखित भाषा जैसे पत्र लिखना, गृह कार्य करना आदि। आप जानते हैं हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? जी हाँ, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यह एक अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। इस तरह व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराती है।